गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के गांव में कलयुगी पिता ने बेटे की चाहत में अपनी 17 दिन की मासूम बेटी की हत्या कर दी और शव को दफना भी दिया। जब इस घटना के बारे में मासूम के मामा को पता चला तो उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी और ये भी बताया कि इससे पूर्व भी इसी कलयुगी पिता ने बेटे की चाहत में अपनी 2.5 महीने की बेटी की हत्या कर दी थी, लेकिन लोक लाज के चलते मामले को रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन दोबारा हुई इस बेटी से इस इंसान की हैवानियत जाग उठी और इस कलयुगी पिता ने अपनी 17 दिन की मासूम की हत्या कर दी। ये मामला है जी, 3 साल हो गए इसी ब्याह को, जी एक लड़की 1.5 साल बाद हुई थी मार दी हमने हैताब में, उसके बाद फिर 1.5 साल हुई थी लड़की 17 दिन की, वो भी मार दी हमने गला घोट के टंगी का दौरे गिर दी। बेटे की चाहत में जिस तरह इस कलयुगी बाप ने अपनी 2 बेटियों की हत्या की, उससे नाराज मासूम के मामा ने पुलिस को इसकी शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही जांच की बात भी पुलिस द्वारा कही जा रही है। जो जानकारी की गई है तो बताया गया है कि ये बच्ची जो है प्रीमेच्योर डिलीवरी थी और डॉक्टर से भी बात की है थानेदार ने, एसओ ने, तो बताया गया कि ऐसे प्रीमेच्योर डिलीवरी में बच्चे के चांसेस कम होते हैं, परंतु परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है जिसमें उचित आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, परिवार ने यह भी कहा है कि इससे पहले भी एक और बच्ची हुई थी 2.5 महीने की जिसको कि पति ने भी मार दिया था, तो उस प्रकरण में क्या पूछा? इन्होंने ये पहली बार अभी कहा है, पहले जब मृत्यु हुई थी तब ऐसा कोई आरोप या कोई एप्लीकेशन थाने पर नहीं दी थी, अब चूंकि ये घटना हुई है तो इसी से जोड़ करके उन्होंने फिर से एक और आरोप पुरानी घटना पर भी लगाया। हालांकि पुलिस जाँच की बात कर रही है, लेकिन जिस तरह एक पिता ने बेटे की चाहत में अपनी बेटी की हत्या कर डाली, उससे ये तो साफ जाहिर होता है कि आज भी लोग बाग बेटे और बेटी में फर्क रखते हैं। जरूरत है इस और विशेष ध्यान देने की, साथ ही लोगों को और भी ज्यादा जागरूक करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टोरी हाउ.इन।